हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्मी के टिप्स एंड फूड। यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने आधा कप दूध डाला है और आधा कप में मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया है और इसको मिक्स कर देंगे। दूध अभी ठंडा है, गर्म नहीं है, तो मैंने अभी गैस पर भी नहीं चढ़ा रखा है, तो मैं नीचे ही इसको मिक्स कर रही हूँ पहले, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा कप ही इसमें चीनी, तो चीनी भी इसमें मिक्स कर दूंगी। चीनी और मिल्क पाउडर आप एक साथ भी डाल सकते हो, ताकि जल्दी से घुल जाए, इसमें गुठली ना बने। तो मैंने पहले मिल्क पाउडर में से गुठलियाँ हटाई, फिर मैंने चीनी डाली और ये अब अच्छे से मिक्स हो गया। आप देख रहे होंगे गुठलियाँ इसमें है नहीं। तो चलिए इसको चढ़ा देते हैं गैस पे। तो यहाँ मैंने गैस पे रख दिया इसको। गैस की फ्लेम मैंने हाई कर रखी है। हाई फ्लेम पे मैं इसको अभी पका रही हूँ, लेकिन इसको चलाते रहना है। जो इसके साइड साइड में जो भी दूध की मलाई वगैरह जो जम जाए, तो आपने उसको निकालना है, क्योंकि अगर वो जमी ही रह गई तो फिर निकलेगी नहीं बाद में। तो गरम गरम पैन में या बर्तन में किसी भी चीज़ में आप गरम कर रहे हो, तो उसमें से गरम गरम आप अगर मलाई उसकी साइड से निकाल दोगे तो जल्दी से निकल जाती है। तो बीच बीच में इसको निकालते रहना और दूध के साथ ही आपने इसको मिक्स करना है। और हम इसके बना रहे हैं मिठाई। और हमने अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है, केवल दूध, मिल्क पाउडर डाला है और चीनी डालना है। बस इसी को हमने गाढ़ा करना है थोड़ा सा। तो अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी ये गाढ़ा हो गया है। ये देख रहे हो आप, गाढ़ा इसमें हो गया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ, मैंने क्योंकि इसमें घी नहीं डाला, तो घी की जगह मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 कप कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा डाल रही हूँ मैं इसमें, और इसको मिक्स कर दूंगी। तो नारियल का बुरादा डालोगे आप तो फिर घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नारियल में जो है अपना ही जो नारियल का तेल होता है वही काफ़ी होता है इसके लिए। तो इसमें डालने के बाद मिक्स कर दूंगी। अभी मैंने गैस की फ्लेम को हाई ही रखा है, हाई फ्लेम पे ही मैं इसको पका रही हूँ। और इसको हाई फ्लेम पे ही पकाना है, ताकि ये जल्दी जल्दी भी हो जाए और छोड़ना नहीं है, चलाते इसको रहना है, क्योंकि हमने चीनी डाल रखी है ना, तो चीनी जल जाती है, तो इसलिए हमने इसको चलाते रहना है। अब बहुत जल्दी ये गाढ़ा भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी गाढ़ा ये हो रहा है, इसमें बुलबुले से उठ रहे हैं। बस हमने साइड साइड से मलाई वगैरह जो भी है इसमें मिक्स करते रहना है इसके, ताकि साइड से जमे अगर तो बाद में ठंडा होने के बाद नहीं निकलेगी। तो इसलिए गर्मा गर्म इसमें हम साइड से मलाई निकाल करके इसी में मिक्सअप करते रहेंगे और इसको चलाते रहेंगे। बिल्कुल तलवे से लगा के हमने करछी को या चम्मच जो भी है आपके पास, वो बिल्कुल तलवे से लगाते हुए चलाना है, ताकि नीचे तलवे पे चीनी न चिपके। अगर वहाँ नीचे चिपकगी तो जो हमने नारियल भी डाल रखा है ना, वो भी जल सकता है। तो इसलिए गैस की फ्लेम को हाई ही रख रही हूँ मैं और फटाफट से चला रही हूँ, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और बीच बीच में आपने जैसे गैस की फ्लेम को अगर हाई करते हुए आपको लग रहा है कि बिल्कुल हाथ जल रहा है, तो थोड़ी सी आप लो कर सकते हो फ्लेम को। और लो फ्लेम पे इसलिए मैं इसको नहीं पका रही हूँ, पका सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं पका रही हूँ क्योंकि लो फ्लेम पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। हाई फ्लेम पे यह है कि फटाफट से दूध सूख जाएगा और ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। लो फ्लेम पे करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा हमारा लगेगा इसमें। जैसे जहाँ पर मेरे को थोड़ी सी लग रही कि हाथ जल रहा है, तो इसलिए मैं चम्मच को साइड में कर दे रही हूँ। तो ये देख रहे हो आप, काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन हमने अभी इसको इससे भी ज़्यादा गाढ़ा करना है, चलाते रहना है। और जो कोकोनट है ना, उसने इसमें अपना तेल छोड़ दिया है, लेकिन जो मिल्क पाउडर हमने इसमें डाला है उसने ये तेल जो है एब्जॉर्ब कर दिया है। तो तेल हमको इतना दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो हम घी डालेंगे तो घी हमको डालना पड़ता है 2 चम्मच इसमें। तो वो 2 चम्मच का काम जो है कोकोनट पाउडर ने कर दिया है। बहुत ही टेस्टी मिठाई इसकी बनने वाली है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। और आप देख रहे होंगे काफ़ी इसमें दूध जो है काफ़ी कम हो गया, ये गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे करके। और हमने इसमें अभी और कुछ भी नहीं मिलाना है हमको, इसमें इलायची पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हमको काजू, किशमिश, बादाम कुछ भी नहीं डालना। ये मिठाई इतनी टेस्टी होने वाली है ना, और हमको कुछ ज़्यादा सामान भी इसके लिए नहीं चाहिए। बस घर में पड़े हुए कुछ ही सामानों से आप बहुत अच्छी मिठाई बना सकते हो। अब बहुत जल्दी भी ये मिठाई बन जाती है, बिल्कुल टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में आपकी पूरी मिठाई तैयार हो जाती है। तो इस रेसिपी को आप बना के देखना, अच्छी भी लगती है। मीठा आप इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। मैंने तो मतलब ज़्यादा ही डाला है इसमें, क्योंकि मिल्क पाउडर थोड़ा सा मीठा तो होता ही है, लेकिन जो लोग मीठा कम खाते हैं वो अपने हिसाब से इसमें मीठा डाल सकते हैं। तो ये देख रहे होंगे आप, काफ़ी गाढ़ा ये हो गया है इसमें। अभी आप दिख रहा होगा दूध बिल्कुल सूख गया इसमें से,
लेकिन अभी मैंने गैस की फ्लेम को हाई ही रखा है। अब बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी जल जाएगा अभी, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया इसमें से। और जैसे बीच बीच में त्यौहार आते रहते हैं, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो आप ये मिठाई भी बना सकते हो। घेवर तो खैर बनता ही है, लेकिन आप उसके साथ साथ ये मिठाई भी बना सकते हो ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। घेवर के ऊपर जो मलाई डलती है ना, तो आप उसमें भी ये मलाई डाल सकते हो। जैसे इस टाइम अभी इसको ज़्यादा गाढ़ा ना करा, इसमें नारियल का बुरादा मत डालना, और आप इस टाइप से इसको भी डाल सकते हो घेवर के ऊपर से, तो बहुत ही टेस्टी आपका घेवर भी बन जाएगा। तो अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी गाढ़ा हो गया, तो मैंने गैस की फ्लेम एकदम लो कर दिया है अब, क्योंकि अभी इसके जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ, और अब मैं थोड़ी देर बाद गैस को बंद कर दूँगी। तो अब आप देख रहे होंगे काफ़ी गाढ़ा ये हो गया है, तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और अब मैं इसको नीचे उतार दूँगी गैस से, ताकि ये ठंडा भी जल्दी से हो जाए। तो नीचे उतार के थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे अभी, क्योंकि गाढ़ा ये गर्म भी है अभी, और थोड़ा बहुत अभी इसको और गाढ़ा होना है। तो चलाते हुए इसको ठंडा करूँगी, और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे इसको आने दूँगी अभी मैं, क्योंकि हाथ इसमें भी जल जाएगा। अगर मैं इसमें हाथ डालूँगी तो हाथ अभी इसमें जल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी, चलाते चलाते ठंडा करूँगी। आप फैन के नीचे भी आप इसको रख सकते हो। तो ये बिल्कुल इतना ठंडा हो गया है कि मैं इसको छू सकती हूँ। पूरा ठंडा नहीं हुआ, लेकिन इतना ठंडा हो रखा है कि हाथ से मैं इसको छू सकती हूँ। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी ये गाढ़ा हो गया है अभी, पूरा बिल्कुल टाइट हो गया, चम्मच से भी नहीं छूट रहा है बिल्कुल, इतना ये गाढ़ा हो गया है। जितना ठंडा होता है उतना जल्दी ये जम जाता है। तो चलिए इसको बना देते हैं फटाफट से लड्डू, क्योंकि मैं इसके लड्डू बनाने वाली हूँ, तो लड्डू बना देते हैं फटाफट से। तो जितने भी बड़े आपको साइज़ में लड्डू चाहिए ना, आप उस हिसाब से ले लेना हाथ पे इसका बैटर, और उसके बाद इसको हाथ से गोल गोल कर देना। तो इससे क्या है ना कि इसमें लड्डू वाला शेप आ जाएगा, और अगर आपके हाथ में थोड़ा सा चिपक रहा हो ना, चिपचिपा हो, तो थोड़ा सा आप हाथ में घी लगा सकते हो। तो वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे तो चिपचिपा, क्योंकि ये होगा ही थोड़ा बहुत, तो आप लगा सकते हो घी। मैंने तो नहीं लगाया है घी इसमें, लड्डू एकदम ये थोड़े से चिपचिपे ही बनेंगे, लेकिन होंगे बहुत टेस्टी। आप इसको एक बार ज़रूर से बना के देखना। तो ऐसे ही मैं और भी लड्डू बना देती हूँ, तो फटाफट से भी बन जाते हैं ये लड्डू, बिल्कुल टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। रेसिपी को बिल्कुल सब बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो गोल गोल से लड्डू हमने बना दिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं सारे लड्डू बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको सारे लड्डू एक साथ। तो लड्डू बन के हैं बिल्कुल, कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल चमकदार। मैंने जबकि घी भी नहीं लगा रखा है इसमें, बस जो नारियल ने अपना तेल जो छोड़ा होगा ना, उसी से पूरी शाइनिंग इसमें आ रखी है। आप ऊपर से लगा सकते हो थोड़ा सा घी हाथ में लड्डू बनाते समय। तो रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसको ज़रूर से ट्राई करना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और रेसिपी बनाते समय आपने ध्यान यही देना है कि पूरा जो है दूध सुखाने तक जो हमने गैस की फ्लेम को तेज़ रखा, और जहाँ दूध सूख गया वहाँ हमने गैस की फ्लेम को लो करना है, लो फ्लेम पे इसको फटाफट पकाना।